बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी उनी पड़ता है तो हम लोग फेंकते हैं, नाली के ऊपर में बैठते हैं, नाली जगह में बैठते हैं। कहने को तो यह झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नील है। हम लोग यहाँ सब्जी बेचते हैं, बैठते हैं कचरा जगह में। यहाँ लोग गंदे नालों पर बैठ करके सब्जी बेचते हैं और गंदगी के कारण यहाँ मच्छर और मक्खी भरे पड़े हैं, और जिसके कारण यहाँ हमेशा बीमारी का खतरा बना हुआ रहता है, और इसके चलते यहाँ सब्जी बेचने वालों को काफ़ी परेशानी भी होती है। जगह नहीं है, जगह का व्यवस्था किया जाए। हम लोग नाली किनारे बैठे हैं, रोड पे बैठते हैं। ये लोग गंदी नाली और कीचड़ों के बीच में बैठ करके सब्जी बेचते हैं, और लोग भी ना चाहते हुए भी वहाँ सब्जी खरीदने आते हैं। ये इनकी मजबूरी कहिए या तो गरीबी। हमें तो गरीब आदमी है कि कृषि करके अपन सब्जी बेच के अपन बाल बच्चा कर भरण पोषण कर, इसलिए उम्मीद करी सरकार से कि हमारे लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दे, बढ़िया रहता। साफा सुथरा होना चाहिए ताकि हम लोग सफा जगह में बैठ करके हमने सब्जी बेच सकें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक व्यवस्थित बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, और हर क्षेत्र में हर जगह पर छोटी छोटी बाजार होनी चाहिए। अतः प्रशासन और नगर निगम पर दबाव बनाने के लिए नगर निगम के CEO दीपंकर पांडा जी को निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं हूं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।